रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। यूक्रेन जंग में अमेरिका और नेटो देश रूस को चौतरफा घेरने में लगे हैं और उससे रूसी खेमे में हलचल है। रूस भले ही इस बात को खुले तौर पर स्वीकार न करे, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के एक्शंस कुछ ऐसी ही तैयारियों की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले पुतिन का उत्तर कोरिया से नजदीकी बढ़ाना और सभी संधियों को दरकिनार कर उसे हथियार देने का ऐलान करना एक तरह से अमेरिका को उकसाने या यूं कहें कि आने वाले समय में एक बड़ी जंग से पहले खुद को मजबूत करने की प्लानिंग की ओर दर्शाता है। मौजूदा समय में अमेरिका रूस यूक्रेन और इसराइल हमास इन दोनों की जंग में एक कॉमन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अमेरिका एक तरफ रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूती दे रहा है, इसके साथ ही हमास और प्रतिरोधी समूहों के खिलाफ नेतन्याहू और इजरायली सैन्य बलों की सहायता कर रहा है। अब इसी कड़ी में रूस भी इसराइल के सताए फिलिस्तीनी लोगों की मदद कर रहा है। जी हां, पुतिन के वफादार और चेचन्या के नेता रमजान कादिरोव ने फिलिस्तीनियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रमजान कादिरोव ने घोषणा की है, गाजा से विस्थापित 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रूस के मुस्लिम बाहुल चेचन गणराज की राजधानी ग्रोजनी के एक नए बने इलाके में अपार्टमेंट दिए गए हैं। नए आरामदायक घर मिलने पर फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों को बधाई। मैं कामना करता हूं कि वे फिर कभी युद्ध ना देखें, भरपूर जीवन जिएं और समृद्ध हों। रूस की ये मदद एक तरह से अमेरिका को यूक्रेन की मदद के जवाब में देखा जा रहा है। इसराइल के खिलाफ जाकर गाजा के शरणार्थियों को घर देना, नौकरी देना और उनकी जिंदगी को बेहतर करना, ये साफ इशारा करता है कि पुतिन अब अपना एक देशों का समूह तैयार करने में लगे हैं जो जंग में उनके साथ खड़ा रहे। पुतिन की इस मदद से उन्हें अब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमले को अंजाम देने वाले प्रतिरोधी गुटों का भी साथ मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन और वियतनाम अमेरिका के नंबर वन दुश्मनों में गिने जाते हैं। आपको बता दें कि चेचन गणराज्य की राजधानी ग्रोजनी इलाकों फिलिस्तीनी लोगों को बसाया गया है, वह एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इससे आशंका है कि रूस को कई इस्लामिक गुटों का भी साथ मिल सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन जंग में अलग थलग पड़े पुतिन अमेरिका के दुश्मनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और हर तरह से सहयोग भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन हमेशा से ही यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और नेटो देशों के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह अमेरिका और पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में है, बाइडेन इसराइल के समर्थन में है, उसे देखते हुए पुतिन भी आने वाली एक बड़ी जंग को भांप लिया है और उसी रणनीति पर काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि पुतिन की इस मदद से बाइडेन और नेतन्याहू दोनों को ही मिर्ची लगेगी, लेकिन आने वाले समय में ये जंग किस मोड़ पर रुकेगी या हर मोड़ पर एक भयानक विनाश करती जाएगी, ये वक्त ही बताएगा।